लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए मेरे पास में इक्विपमेंट होना चाहिए, सामान होना चाहिए, या इसको बनाने की टेक्निक आनी चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर हुनर है या आपको किसी चीज को ऐसा बना सकते हो जिससे आप पैसा बहुत जल्दी बना सकते हो, तो आपको उसके लिए बहुत कम रॉ मेटेरियल की जरूरत रहती है। जैसे कि लोग जो गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा पैसा बनाते पानी की सहायता से, वो सिंपल सा पानी लेते, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने 4 बाल्टी अलग अलग ले रखी है, इसके अंदर प्योर पानी है और कुछ भी नहीं है, और इसी एक बाल्टी से कम 2 से 2500 रुपए, यानी 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए आराम से बना सकता हूँ। 4 बाल्टी से, जो आप मेरे सामने देख सकते हैं, 4 बाल्टी से लगभग मैं 10000 रुपए आराम से बना सकता हूँ। इसको बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, और ये जो 4 बाल्टी है ना, वो एक दिन में आपकी बिक जाएगी। इसको बनाना कैसा है, सिंपल सा, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको कुछ इस तरीके से फ्लेवर आएंगे, जैसे कि ये लीची का फ्लेवर है, ये आपका मैंगो का फ्लेवर है, ये कोको कोला का फ्लेवर है, और ये आपका रहेगा ऑरेंज का फ्लेवर। ये 4 फ्लेवर आएंगे, आपको बस कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि मैंने फ्लेवर ले लिया, इसको कुछ अपने जो फॉर्मूला रहता है फॉर्मूले के हिसाब से जी इस बाल्टी के अंदर डालना। जैसे कि मैंने फॉर्मूले के हिसाब से बाल्टी के अंदर, एक बाल्टी के अंदर लीची का फ्लेवर डाल दिया, दूसरे के अंदर मैंने मैंगो का फ्लेवर डाल दिया, डाल दिया, यानी मैंने 4 फ्लेवर 4 अलग अलग बाल्टियों में डाल दिए। अब उसके बाद में मुझे इसके अंदर शक्कर ऐड करना है, और मैं आपको ऐसे रेगुलर बता रहा हूं, तो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर पहले से ही शक्कर मिक्स की हुई थी। अब मैं अपना जो मिक्सर है, चाहे तो आप इस मिक्सर की सहायता से इसे पूरा मिक्स कर सकते हो, क्योंकि शक्कर को ठंडे पानी में मिक्स करते हो तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, इसीलिए मैं इसे मिक्सर की सहायता से मिक्स कर देता हूँ। ये मैंने स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं ये मिक्सर की सहायता से पूरा मिक्स हो रहा है, और इस मिक्सर की सहायता से उल्टा भी ये घूमेगा, ये उल्टा घूम रहा है और ये सीधा घूम रहा है। ये मैंने कर दिया, इसे अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब दूसरी बाल्टी के अंदर भी मिक्स कर देता है इसे, ये मिक्स हो गया दूसरा बाल्टी के अंदर भी। अब अपना ऑरेंज वाला मिक्स कर देते हैं, ये ऑरेंज वाला मिक्स कर दिया। इसकी स्पीड बहुत तेज है, तो इसीलिए मुझे इसके लिए ज्यादा, आप अगर करो तो इसके लिए बड़ा टब होना चाहिए। ये मैंने कोको कोला वाला मिक्स कर दिया है, यानी कि 4 फ्लेवर मैंने मिक्स कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है कि अपने जो, अब आपको ये तो पता चल गया कि मेरा जो फ्लेवर था ये मिक्स हो गया है, फ्लेवर किस हिसाब से मिक्स करना है, इसके अंदर कितनी शक्कर डालनी है, उसका बकायदा आपको एक बुक मिलेगा। अब आपको इन चारों जो मैंने फ्लेवर बनाया, इसको बनाना कैसा है, इसके अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल डालना है, क्या क्या सामान डालना है, इसकी बकायदा एक बुक आएगी जिसके अंदर पूरा कंप्लीटली लिखा रहेगा। ये हमारा रेगुलर काम है, पर डे हम बनाते, पर डे हम बेचते मार्केट के अंदर, तो हमें तो एक नॉर्मली आइडिया है कि कैसे बनाना है। अब बात करते हैं कि इसको जो मैंने रॉ मेटेरियल या जो जूस मैंने बना दिया है, अब इसका मुझे यूज क्या करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके के पाउच जो गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा चलते हैं, और उसकी तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नवंबर दिसंबर में आप ये पूरा सामान हमसे खरीदते हो तो आप जनवरी तक इसे पूरा सेटअप कर दोगे और अपना पूरा स्टॉक मेंटेन कर सकोगे, जिससे आप फरवरी मार्च अप्रैल महीने में 5-6 महीने आराम से बिजनेस कर सकोगे। अब बात करते हैं कि जो इसको मुझे इस तरीके के पाउच को फिल कैसे करना है। इसी के साथ में आप इसी मशीन से आप इस तरीके की लीची, मैंगो, ऑरेंज, कोला, ढक्कन वाली, बगैर ढक्कन वाली, कैप वाली, बगैर कैप वाली भी बोतलें फिल कर सकते हो, सील कर सकते हो, या बोतल कैपिंग कर सकते हो। वो कैसे करना है, पूरा कंप्लीट वीडियो आपको आज इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि मैंने जो 4 फ्लेवर बनाए हैं, जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है, आप मेरे सामने देख सकते हो, जो एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है, पूरे 4 नोजल इसके आगे लगे हुए, आगे 2 नोजल और पीछे की साइड में 2 नोजल लगे हुए, और ये जो पूरी मशीन है पूरी स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, और स्टेनलेस स्टील भी 304 लगा हुआ, जिससे ये ना कभी जंग लगेगा ना खराब होगा। अब बात करते हैं कि जो इसके 4 नोजल है वो काम सेपरेट सेपरेट कैसे करेंगे।
अब बात करते हैं कि जो चारों नोजल है ना वो मेरे सेपरेट सेपरेट कैसे काम करेंगे, कि मुझे एक नोजल के अंदर 50 ml बनना है, दूसरे नोजल के अंदर 100 ml बनना है, तीसरे के अंदर 150 ml बनना है, चौथे के अंदर 200 ml बनना है। ये तो हो गया जो अपना ml है उसका। अब मुझे बात करने की, एक के अंदर मैंगो बनना है, ऑरेंज बनना है, लीची बनना है और ग्रीन एप्पल बनना है, तो इसके लिए आपका इसका टाइम सेट करना पड़ेगा। टाइम सेट करने के बाद में इसके अंदर चारों के कंप्रेसर अलग अलग लगे हुए, जिससे आप चारों के अंदर टाइम सेट अलग अलग हो जाएगा और चारों फ्लेवर अलग अलग भरे जाएंगे। अब उसका बकायदा कंप्लीट वीडियो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के अंदर जितनी भी 4 nozzle, 6 nozzle, 8 nozzle पाउच फिलिंग मशीन है, बोटल फिलिंग मशीन है या सोडा फिलिंग मशीन है, उनके अंदर चारों के अंदर एक ही कंप्रेसर रहेगा, या 6 nozzle, 8 nozzle उनके अंदर एक ही कंप्रेसर रहेगा, वो पैरेलल के हिसाब से अलग अलग कर देंगे। लेकिन आपको जो राइट ह्यूमन कंपनी की हमारे द्वारा जो मशीन बेची जाती है उसके अंदर चारों नोजल है, वो चारों का टाइम सेट अलग हो जाएगा, जितना पाउच फिल करना है उसका जो ml है वो अलग सेट हो जाएगा, और उसके अलावा चारों के अंदर आप अलग अलग जूस फिल कर सकते हैं। इसका बकायदा मैं आपके सामने वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हो जो मशीन है 4 nozzle की अभी हमारे सामने, चारों भैया ने, जो हम दोनों भैया है, दोनों ने अलग अलग गिलास हाथ में ले लिए हैं, और आप नीचे बाल्टियों के अंदर देख सकते हैं, दो बाल्टियां, एक के अंदर लीची का फ्लेवर और दूसरे के अंदर अपना मैंगो फ्लेवर है, और इधर साइड में एक के अंदर ऑरेंज का फ्लेवर और एक के साइड में ग्रीन एप्पल का फ्लेवर है। अब देखते हैं कि चारों नोजल एक साथ में काम करेंगे, और चारों नोजल में एक में 50 ml से, एक में 100 ml, एक में 150 ml और एक में 200 ml, यानी कि जूस आपका अलग अलग है और आपका फ्लेवर अलग अलग है, ml अलग अलग निकालेगी विद इन एक ही मशीन से। एक ही मशीन से मुझे 50 ml का मैंगो बनना हो जाएगा, 100 ml का लीची बनना हो जाएगा, 150 ml में ग्रीन एप्पल बनना हो जाएगा, 200 ml में कोला बनना हो जाएगा। एक ही मशीन से चार अलग अलग काम हो जाएंगे, और एक ही मशीन से आप पाउच भी भर दोगे, और इसके साथ में आप कुछ इस तरीके से बोतल बननी है, फ्लेवर की बोतल बननी है, जूस की बननी है, या आपको दूध वगैरह की छाछ, दही, लच्ची की बननी है, वो भी हो जाएगा। एक ही मशीन से आप पाउच को सील भी कर दोगे, और अगर आपको बोतल के ऊपर ढक्कन लगाना है, आपको कुछ इस तरीके से ऊपर ढक्कन लगा हुआ, ये ढक्कन लगाना है, तो इसी मशीन से हो जाएगा। मात्र 26,500 के अंदर दो मैंने एम्प्टी ग्लास ले लिए। अब एक के अंदर मेरा है ऑरेंज फ्लेवर और दूसरे के अंदर है ग्रीन एप्पल फ्लेवर, ये मैंने यहाँ पे नोजल के यहाँ पे लगा दिया। आप इसका प्रेशर देखना कितना तेज प्रेशर होता है, जैसे मैं यहाँ से प्रेस करूंगा ये देखो प्रेशर देख सकते हो कितना पावरफुल प्रेशर है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर मेरा सोडा मिक्स नहीं है, फिर भी लग रहा है कि जैसे मैंने इसके अंदर गैस मिक्स कर दी, इतना प्रेशर आ रहा है इस कंप्रेसर की सहायता से, इतना पावरफुल इसका कंप्रेसर है। एक बार मैं लाइव डेमो आपको वापस करके दिखा देता हूं। ये मैंने ऑरेंज के अंदर जूस डाल दिया, ये मैंने ग्रीन एप्पल जूस डाल दिया, अब मैं इसके अंदर ये मैंने गिलास, जैसा आप देख सकते हो ये सोडा का जैसे लग रहा है, ये वापस मैं गिलास ही नया ले लेता हूँ, ये गिलास मैंने नया ले लिया फ्रेश एकदम। अब मैं इसे यहाँ से डाल देता हूँ, और आप देखना पावर देखना इसका, आप जो स्पीड आ रही है वो देखो, यानी कि जो स्पीड आ रही है ना गिलास के साथ में सोडे की, जो स्पीड आ रही है कंप्रेसर की, वो आप देखो, यानी कि मशीन इतनी पावरफुल है इसके अंदर। अब बात करते हैं दूसरे के अंदर, ये इसके अंदर 150 ml है और ये सॉरी इसके अंदर 150 ml जूस है और इसके अंदर 200 ml जूस है। दूसरे भैया की तरफ आप देखो, एक के अंदर 50 ml और दूसरे के अंदर 100 ml आ जाएगा। आप देख सकते हो, यानी कि एक ही मशीन से 50 ml, 100 ml, 150 ml और 200 ml, और चारों के फ्लेवर अलग अलग है। ये मैंने बताया कि आपको पहले एक साइड का काम शुरू कर किया, फिर दूसरे साइड का। अब मैं आपको बताऊंगा कि चारों एक साथ में कैसे वर्क करते हैं, कि आपने चार नोजल की मशीन ले ली, एक साइड में आपने एक लड़के को बिठा दिया, दूसरे साइड में एक लड़के को और बिठा दिया, और दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही मैंने ये ऑरेंज वाला ऑरेंज के अंदर डाल दिया, ग्रीन एप्पल वाला ग्रीन एप्पल के अंदर डाल दिया, एक गिलास भैया दूसरा दे दिया, आपने देखा कि मैंने दो गिलास एक साइड से भरे, दोनों फ्लेवर अलग अलग थे, दूसरे भैया ने देवेंद्र जी में दो गिलास अलग अलग भरे। अब चारों गिलास के अंदर चारों जूस अलग अलग एक साथ में भरते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले मैंने गिलास डाल दिए, दूसरी साइड में भी दोनों गिलास डाल दिए, अब स्टार्ट करते हैं दोनों एक साथ में। ये गिलास मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, दोनों चारों गिलास एक साथ में भरे गए हैं। अब चारों के अंदर आप टाइम आप चेक कर सकते हैं, ml चारों के अंदर अलग अलग है, 50 ml, 100 ml, 150 ml और 200 ml। अब उसका एक वापिस कर लेते हैं, एक बार रिव्यू एक्सपेरिमेंट वापिस कर देते हैं।
तो मैं आपको जैसे मैंने देवेंद्र जी ने भी दो गिलास ले लिया हाथ के अंदर, आप देख सकते हो दोनों साइड से दोनों लड़के को बैठ के हम ये कर दिया। आपने देखा कि गिलास के अंदर जैसे ही मैंने खाली गिलास के अंदर जूस डाला, कितना पावर था इसके गिलास के अंदर, कितना साथ में सोडे जैसा बुलबुले आ रहे थे। तो आप सोच सकते हो अगर मैं इस मशीन की सहायता से इसके अंदर जूस भरूंगा, ये जूस जो पाउच के देख रहे हो ये इसी मशीन से भरे हुए हैं, तो ये कितने टाइट है और कितने अच्छे दिख रहे, कितने शानदार दिख रहे। और जब ये मार्केट में बिकने के लिए जाएंगे ना, दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग है या दूसरे जो पाउच बनाने वाले, उससे आपके पाउच बहुत बढ़िया दिखेंगे, क्योंकि ये फुल टाइट भरे हुए और फुल टाइट जो पाउच है ना वो मार्केट के अंदर दौड़ता बिकेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कस्टमर को गरज करके देना है, नहीं, कस्टमर दौड़ता हुआ आएगा कि भैया आपके पाउच के अंदर हल्का सा सोडे का भी फ्लेवर आ रहा है, सोडे की भी गैस आ रही है, मुझे आपके पाउच ही दो। और जब आपका माल तगड़ा बिकेगा तो आप हमसे ज्यादा खरीदोगे, और वो सारा पॉसिबल हो जाएगा इस छोटी सी मशीन से। अब बात करते हैं कि आपने कुछ इस तरीके से बोतलें भी इस मशीन से भर दी, क्योंकि इसका नोजल सेम है, आप बोतलों को भरने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बोतलें भर दी आपने, फिर आपको लगता है कि मुझे इसका ढक्कन भी टाइट करना है, ढक्कन भी लगाना है। तो उसके लिए आप एक, या तो दो ऑप्शन है, आप हाथ से ढक्कन लगाओ जैसा कि मैं लगा रहा हूं, ऐसे दिन के कितने बोतलों के ढक्कन लगा लोगे, 100 के, 50 के, 200 के, 300 के, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2000 का है, 5000 का, 10000 का, नहीं लगा सकते हो। यहां से हाथ कटने, सिलने, फटने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये बोतल का ढक्कन इतना टाइट लगाना पड़ता है कि घंटे डेढ़ दो घंटे बाद में यहाँ से हाथ दर्द करना स्टार्ट कर देगा, फिर आपको शाम को पैरा जो दर्द की गोली खाकर सोना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप कैपर हमारे द्वारा इस मशीन के साथ में आ रहा है, मात्र 26,500 में पूरे मशीन के साथ में कैपर भी आ रहा है, और खाली कैपर चाहिए आपको तो मात्र 5,000 रुपए में। अब इस बोतल के ऊपर जो ढक्कन लगाने का रहता है ना, उससे हम बोलते हैं कैपर, ऑटो कैपर होता है, ये ऑटोमेटिकली ढक्कन लगाता है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले मैं इस कैपर को स्टार्ट कर देता हूं, तो ये इसकी ये इलेक्ट्रिक से चलेगा, आपने जो घर पे नॉर्मल करंट आता है उसकी सहायता चलेगा। मैंने ये इसका पिन इसके अंदर डाल दिया, जैसे पिन डाला ये कैपर घूमना स्टार्ट हो गया है। अब मुझे बोतल के ऊपर ढक्कन लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, पहले मैंने इसके ऊपर ये ढक्कन रखा, और जैसे ही मैं इस कैपर के नीचे इसे लेकर जाऊंगा ये ऑटोमेटिकली इसे टाइट कर देगा। है ना, इतना इजी काम, बहुत ही इजी वे के अंदर, आपकी चाहे 5 वाली बोतल हो, 10 वाली हो, 20 वाली हो, 1 लीटर वाली हो, 2 लीटर वाली हो, सारी इसी मशीन से आपकी बोतलों के ऊपर ढक्कन लग जाएगा। बोतलों के अंदर अपना फ्लेवर का मनपसंद फ्लेवर बहुत बढ़िया टेस्टी बना के जूस भर दिया, अपना लेबल चिपका दिया, ढक्कन लगा दिया, इसको पॉलिथीन में पैक कर दिया, मार्केट के अंदर बेच दिया, 1 रुपए की बोतल आ गई, 2 रुपए, 1 रुपए का जूस आ गया, और आपका 50 पैसे का लेबल आ गया, 50 पैसे की आपकी इलेक्ट्रिसिटी और आपका कंज्यूमेशन आ गया, 4 रुपए के अंदर बोतल तैयार हो गई, 7 रुपए के अंदर मार्केट में बेच दी, नेट प्रॉफिट 3 हो गया। और इस मशीन की सहायता से पर डे आप अगर बोतलों के अंदर आप जूस भर के बेचते हो तो 10,000 बोतलें भर सकते हो इस मशीन की सहायता से, और अगर आप पाउच भरते हो तो 15,000 एक दिन के अंदर इस मशीन की सहायता से पाउच भर के। ये जो सीलर साइड में लगा हुआ है आप देख सकते हो, ये जो सीलर साइड में लगा हुआ है कॉमर्शियल सीलर है, कभी भी खराब नहीं होगा, ये मशीन के साथ में बिल्कुल फ्री आएगा। और अलग से लेना चाहते हो तो मात्र 1,800 रुपए में इसे हमसे खरीद सकते हो। इसके अंदर ना टेप्लॉन है ना अलाइनमेंट है, ये 100% कॉमर्शियल सीलर है, कभी जिंदगी में खराब नहीं होगा। आप लोगों ने जैसा कि देखा कि मैंने इसके अंदर जूस भर दिया गिलास के अंदर, अब इसी मशीन से मैं कुछ इस तरीके के पाउच है वो भी इसी मशीन से भर के दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले टाइम सेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाले टाइम सेट था 100 ml और 50 ml का, यहाँ पर टाइम सेट किया हुआ था 150 ml और 200 ml, टाइम सेट मुझे करना पड़ेगा 100 ml का। क्यों 100 ml का? क्योंकि ये जो हमारे पाउच है ये 100 ml के हैं, और आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो भी मशीनें मिलेगी वो फिक्स टाइम सेट की मशीनें मिलती है, उनके अंदर टाइम सेट करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, जबकि हमारी जो स्पेशल टेक्नोलॉजी मशीन है इसके अंदर आप टाइम सेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। टाइम सेट करना कंपलसरी है, जिससे आप उसके अंदर अपना जितना पाउच भरना है 100 ml का, 150 ml, 200 ml वो आराम से भर सकते हो। बोतल अलग अलग की भरनी है, मुझे 2 लीटर, 5 लीटर, आधा लीटर, 100 ml, 20 ml, इससे भर सकते हो। और दूसरी मशीनों में ये फैसिलिटी नहीं है, ऑनली राइट वुमन के द्वारा जो मशीनें बेची जाती है उसी के अंदर ये फैसिलिटी दी है, और कोई नहीं बोलेगा कि हमारे अंदर ये फैसिलिटी भी है। अब बात करते हैं इसका टाइम सेट कैसे करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका सिंपल सा लॉजिक है।
1.6 सेकंड पे किया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि 100 ml का पाउच आपका या 100 ml वो जूस बाहर निकालेगा। आप देख सकते हो ये जो पहला टाइम सेट 2.4 किया हुआ है, यानी कि ये 150 ml का टाइम सेट किया हुआ है। आपको इसको लेकर जाना है 100 ml पे, 100 ml पे करने के लिए 1.6 करना है। मशीनें जो भी कस्टमर को प्रोवाइड होती है उसके अंदर ऑलरेडी 100 ml का ही टाइम सेट किया होता है। आपको सबसे पहले वो जो फर्स्ट वाला बटन है उसे दबा के रखना है। जैसे ही दबा के रखोगे SP लिखा होगा, SP के बाद में T1 का मतलब होता है कि आपको जो पहला नोजल है वो 2.5 सेकंड पर सेट किया हुआ है। अब मुझे इसे चेंज करना है 1.6, आप देख सकते हो 0 ब्लिंक हो रहा है, 0 को मुझे छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि मुझे करना है 1.6। तो मैं जो सेकेंड वाला दबाऊंगा तो ये एक ब्लिंक, दो नंबर ब्लिंक कर रहा है, दो नंबर को मुझे डाउन लेकर जाना है। लेकिन इस मशीन के अंदर आप अप ही लेकर जा सकते हो, तो मुझे अप लेकर जाना कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 3 नंबर किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, 7 8 9 और ये हो गया अपना 0। अब मुझे करना है 1 हो गया, अब मुझे करना है 1 हो गया 1.6। तो ये वापस रीसेट का सेकंड नंबर बटन दबा दिया, ये हो गया 4। अब मुझे इसे करना है 6, तो ये थर्ड वाला बटन 5 और 6, यानी कि पहला जो नोजल था वो 1.6 ml पे सेट हो गया है। अब मुझे दूसरा नोजल भी चेंज करना है, तो दूसरे नोजल के लिए वापस फर्स्ट वाले बटन को जैसे ही दबाऊंगा TOF का मतलब होता है कि एक नोजल शुरू रहेगा, उसके बंद होने के बाद में दूसरा नोजल कितने सेकंड बाद में शुरू होगा। तो अभी टाइम सेट किया हुआ 0.1 सेकेंड, यानी कि ये 1 सेकेंड बाद में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहते हैं इसी नंबर पे रहने देते हैं और बोलते हो कि नहीं चेंज करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, 0 को चेंज नहीं करते, दूसरे को चेंज कर देते हैं, दूसरे को जैसे कर देते हैं 1 नंबर पे कर देते हैं और पीछे वाले को वापिस कर देते हैं 0 के लिए। ये मुझे यानी 10 सेकंड के अंदर ये दूसरा वाला नोजल भी स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि दूसरा वाला नोजल का मुझे टाइम सेट कितना करना है। दूसरे वाले नोजल का टाइम सेट किया हो 1.9, इसे बढ़ा के इसे कम करके मुझे करना है 1.6। तो अपना वही पहला वाला रूल, 0 को मुझे चेंज नहीं करना है, 1 को भी चेंज नहीं करना, 1 को भी ब्लिंक होने देते हैं, नहीं चेंज करना, वापस दूसरे वाले बटन को दबाते 9 आ गया है, थर्ड वाले बटन को दबाता हूँ तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। यानी कि पहला वाला नोजल 1.6, 10 सेकंड का टाइम हो गया और दूसरा वाला नोजल भी 1.6। अब इसको सारी जो सेटिंग है उसको सेव करने के लिए ये कर दिया मैंने, सेव वाला बटन 4th वाला इसे प्रेस कर दिया, तो ये अपना काम कर दिया अपना स्टार्ट। अब करते हैं कि जो अपने टाइम सेट किया है वो सही है नहीं है, उसके लिए मैं गिलास ले लेता हूँ, अपने दोनों गिलास यहाँ पे रख दिए मैंने और एक साथ में स्टार्ट कर दिया, हो गया। आप देख सकते हैं दोनों के अंदर जूस है ना एकदम एक्यूरेट बराबर आया है। ये जाग जब नीचे बैठेगा, सोडा जो हल्का इसके अंदर आया वो नीचे बैठेगा, तो ये दोनों एक्यूरेट हो जाएगा। एक बार वापस इसका लाइव डेमो कर देते हैं। ये मैंने दो फ्रेश गिलास ले लिया है और मैं इसे नीचे डालता हूँ और ये मैंने फ्रेश कर दिया, ये 10 सेकंड हो गया, ये इसके बाद में स्टार्ट हो गया। ये यानी कि एक ही मशीन के सहायता से अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग जूस, अलग अलग टाइम है। अब बात करते हैं कि मुझे इस मशीन से पाउच कैसे बनने हैं। तो ये मैंने अपने दो पाउच लीची वाले ले लिए हैं, जबकि दोनों फ्लेवर दोनों अलग अलग है लेकिन अवेलेबल अभी मेरे जस्ट सामने ये पाउच पड़े थे। तो मैंने ये पाउच इसके अंदर एक डाल दिया है और दूसरा वाला पाउच भी इसी नोजल के अंदर डाल दिया। इसका जो हमने इसका जो डिज़ाइन तैयार करवाया ना इस नोजल का, वो ऐसा तैयार करवाया कि पाउच बनना हो जाएगा, बोतल बननी हो जाएगा, जूस बनना है, छाछ बनना है, दही बनना है, लच्ची बनना, कुछ भी हो जाएगा। ये मैंने यहाँ से पकड़ लिया, यहाँ से स्विच किया, ये 100 ml का ये फुल टाइट हो गया, ये दूसरा भी हो गया फुल टाइट। आप इसकी टाइटनेस देखो, टाइटनेस देखो कितनी टाइट है, इतनी टाइट मार्केट में आपको कोई पाउच वाला भर के नहीं देगा, फुली ऑटोमेटिक मशीन से भी नहीं फ्रे जाएंगे। अब मुझे जो सीलर लगा हुआ है ये मुझे छोड़ा तो ये ऊपर से पानी निकलता, इतना ये टाइट हो गया जूस। अब ये जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो हल्का सा भी छोड़ दूंगा तो ये ऊपर से जूस निकलेगा, ये देख लो यानी इतना टाइट है। अब मैं सीलर की सहायता से ऐसे कर देता हूँ, ये सील कर दिया, आप देख सकते हो ये पूरा सील हो गया। ये मैंने इसे पाइप के अंदर रख दिया, दूसरा जो आप है इसे भी मैंने यहाँ से सील कर दिया, ये दूसरा सील हो गया बहुत ही आसान तरीके से। अब बात करते हैं
इस मशीन के अंदर जो सीलर है वो कॉमर्शियल सीलर है, कभी जिंदगी में खराब नहीं होगा, कैपर है कभी खराब नहीं होगा, मशीन की कंपनी फुली एक साल की गारंटी वारंटी ले रही है और 100% स्टील से बनी हुई है। जल्दी से ऑर्डर करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नंबर दिए हुए, वहां से ऑर्डर करिए और गर्मियों के लिए अभी से एक बिजनेस स्टार्ट करिए जिससे आप गर्मियों के अंदर अच्छा खासा 2 लाख 5 लाख का स्टॉक एक साथ में कर सको और एक दाम से मार्केट के अंदर आके धूम मचा सको, जिससे आप एक मशीन की जगह पर 10 से 15 मशीनें आप ले सके। और अब बात करते हैं, मशीन का स्टॉक अवेलेबल रहता है हमारे पास में एनी टाइम, कभी भी आप इस मशीनों को हमारे यहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर आपको कभी भी जब भी ऑर्डर करोगे उस टाइम सिंगल नोजल, डबल नोजल, 4 नोजल की, नीचे बॉक्स के अंदर 4 नोजल की मशीन है, ऊपर सिंगल नोजल की, डबल नोजल की मशीन है, ये कभी भी एनी टाइम अवेलेबल रहती है। इसके अलावा हमारा दूसरी जगह और स्टॉक है वहां पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो लाइव डेमो के लिए जो मशीनें रखी हुई ये भी आपको एनी टाइम अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा आप कुछ जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको मिक्सर करने के लिए मिक्सर भी हमारे यहाँ पर मिल जाएगा, मिक्सर की मात्र कीमत है 2100 रुपये में आपको 30 लीटर तक मिल जाएगा, 50 लीटर तक आपको 4000 में मिल जाएगा और 60 लीटर तक चाहिए तो मात्र 4200 रुपये में एक साल की फुल्ली गारंटी वारंटी के साथ में हमारा मिक्सर भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस मशीन का क्या गारंटी है, क्या वारंटी है, आपको पूरे एक साल की गारंटी और वारंटी मिलेगी। कंप्लीट किट 22,500 में मिलेगा जिसमें आपको दोनों साइड में सीलर लगे रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बोतल वाला भी साथ में करना है तो एक साइड में सीलर रहेगा एक साइड में कैपर रहेगा, वो कंप्लीट सेटअप आएगा मात्र 26,500 रुपये में, जिसमें आपको इस तरीके से 2000 पाउच भी मिलेंगे, 4 फ्लेवर की बोतलें भी मिलेगी, 1 लीटर प्रिजर्वेटिव मिलेगा, 1 गाइडबुक भी मिलेगा और उसी के साथ में आपको जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी मिलेगा कि पाउच को कैसे भरना है, कैसे फ्लेवर टेस्ट बनाना है, मार्केट में कैसे बेचना है, इसकी पूरी गाइड एक कंप्लीटली वीडियो थ्रू आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से इसे ऑर्डर करिए, हमारी एप्लीकेशन है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप प्ले स्टोर यूज करते हो प्ले स्टोर के अंदर आपको लिखना है राइट ह्यूमन, प्ले स्टोर आपको ओपन करना है उसके अंदर लिखना है राइट ह्यूमन RIGST HUMAN। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन आ जाता है उसे अपलोड करना, डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद में इसको इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद में आपको जो भी आइटम वहां से परचेज करनी है, परचेज करने के बाद में उसका अपना नाम पता एड्रेस डालना, एडवांस डालना, विद इन 7 दिन के अंदर, आप चाहे सीजन में करो अभी करो, विद इन 7 दिन के अंदर आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर पार्सल डिलीवर हो जाएगा।